तो निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन दिया गया दान महादान कहलाता है। तो इसमें पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए कि निर्जला एकादशी के महापुण्य हमें प्राप्त हो। देखो, दान का सनातन धर्म में सदा से महत्व रहा है, ठीक है, और दानवीरों की चर्चा सदा से समाज में होती रही है। हरिश्चंद्र का नाम आज भी आता है, कर्ण का नाम आज भी आता है, क्योंकि ये दानवीर थे। निर्जला एकादशी के दिन अन्न का, वस्त्र का, गाय का, जल का, जल से भरे पात्र का, चीनी का, सैया का, सुंदर आसन का, पंखी का, छाता का, ये सब दान हमारे सनातन धर्म में विहित हैं, करना चाहिए। और अगर ये सब दान वेद पाठी ब्राह्मण को किए जाएं, जो वेदों को पढ़ता हो, जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता हो, जो लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करता हो, जिसका काम ही हो लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करना, ऐसे व्यक्ति को अगर ये सब चीज़ें दी जाएं, तो निश्चित रूप से धर्म के प्रचार प्रसार में भी आपकी सहायता मानी जाएगी। तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना, वस्त्र दान देना, फल दान करना, ये सब भगवान श्री हरि विष्णु की दया दृष्टि के लिए आवश्यक है। नमक का दान करने से बुरा समय भी दूर हो जाता है, घर में भोजन की कभी कमी नहीं रहती है। निर्जला एकादशी पर तिल का दान करने से शक्ति मिलती है। लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इसमें भी आपको फायदा मिलेगा, मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। पुराने कपड़ों का दान करने से भी आपको लंबी आयु मिलती है, लेकिन वो धुले और साफ होने चाहिए, इसके साथ ही आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अनाज का दान करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। इस दिन विशेष रूप से जल का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, मीठे जल का वितरण करना सर्वाधिक पुण्यकारी माना गया है। सार्वजनिक स्थल पर मटकी दान करना, प्यासों को पानी पिलाने की व्यवस्था करना, हो सके तो किसी गौशाला में धन का दान करना, ये सब अत्यंत पुण्यदायी माने गए हैं। सनातन धर्म में ये जितनी बातें कही जा रही हैं, इनके पीछे, सारे चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ऐसे नहीं है कि किसी ने एक पोथी लिख दी है और उसका हम अनुगमन कर रहे हैं। एक एक बात पर अगर आप ध्यान देंगे और उसके दूरगामी परिणामों पर आप ध्यान देंगे, तो आपको सनातन धर्म की महत्ता समझ में आएगी कि निर्जी मतलब कि बाणीहीन जो पशु हैं उनके लिए भी हम कितनी चिंता करते हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक की हम कितनी चिंता करते हैं इस समाज में, क्योंकि ये सनातन धर्म है। विषधर सर्प को भी हम नागपंचमी के दिन दूध पिलाते हैं, जिसके डसने पर मृत्यु हो सकती है, उस विषधर सर्प को भी हम नागपंचमी के दिन दूध पिलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये है हमारा वसुधैव कुटुंबकम, ये है हमारा सनातन धर्म, ये है इसकी महत्ता। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी निर्जला एकादशी के 10 नियम और 10 उपाय बता रहे हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी पर हम सभी को किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो पंडित जी बताइए दर्शकों को कि आखिर किन किन चीजों का हमें सेवन करना चाहिए, भूल कर भी उन चीजों को खाना नहीं चाहिए। पहली बात तो निर्जला एकादशी का जो लोग व्रत करेंगे उन्हें तो जल भी नहीं पीना चाहिए, तो सेवन और न सेवन की बात ही कहाँ शुरू होती है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं या व्रत नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये नियम कानून लागू होता है कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं, मेवा बादाम का भी सेवन कर सकते हैं, इसी तरह से चीनी मिश्री गुड़ का भी सेवन आप कर सकते हैं, कुट्टू आलू साबूदाना शकरकंद का भी सेवन आपके लिए ठीक है, नारियल जैतून दूध का सेवन निर्जला एकादशी में किया जा सकता है, अदरक काली मिर्च और सेंधा नमक भी खा सकते हैं। एकादशी में तिल एक अपवाद है, इसे ग्रहण किया जा सकता है। निर्जला एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए
जरा उस पर ध्यान दीजिए। जैसे अगर आप व्रत न भी कर रहे हैं तो निर्जला एकादशी पर बाजरा नहीं खाना चाहिए, जौ नहीं खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए, आटा नहीं खाना चाहिए, इनसे बनी किसी भी वस्तु का भी निर्जला एकादशी पर सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मटर, छोले, दाल और सभी प्रकार की सेम, उनसे बनी अन्य वस्तुएं, दालें, टोफू का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड और अन्य कई मिठाइयों का प्रयोग और सेवन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें कई बार चावल का आटा मिला होता है। मसाला जैसे कि हींग, लौंग, मेथी, सरसों, इमली, सौंफ, इलायची और जायफल का सेवन भी आज के दिन नहीं करना चाहिए। ये नियम उन लोगों के लिए है जो व्रत नहीं रख रहे हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।